ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 28 अप्रैल से 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में यदि आपका एज है तो आप लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 मई से वैक्सीन लगाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने ये बताया था आप लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में यदि आपका एज है तो। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, जब भी हम अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा 45 ईयर्स ही दिखा रहा था, यानी 45 साल से ज़्यादा आपका उम्र है तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकते थे, नहीं तो नहीं। तो अब मैं देखते हैं वहाँ पे हमें 18 साल प्लस शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सिंपल आप लोग का क्या गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और आप लोग को यहाँ पर सर्च कर लेना है कोविन रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने कुछ इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है kovin.gov.in। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करेंगे आपको, सॉरी नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ और सेकेंड नंबर पर रजिस्ट्रेशन विथ आरोग्य सेतु ऐप। तो आप दो तरह से यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ है। इसके बाद सिंपल आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे और OTP आपको फिल करना है। तो हम देखते हैं हमारे मोबाइल पे OTP आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी, क्योंकि इससे पहले जो मैं ट्राई किया था तो गेट OTP पे क्लिक हो रहा था, बट लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपको गेट OTP पे क्लिक नहीं हो रहा। मैं अदर नंबर से ट्राई करके देखता हूँ, शायद हो जाए। मैं अदर नंबर कर दिया हूँ, इसके बाद हम इसे बैक कर लेते हैं। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको OTP पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं, फिर से हम क्लिक करके देखते हैं। तो सिंपल मैं इसमें मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ फिर से एक बार, तो गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं अब गेट OTP पे क्लिक हो चुका है। इसके बाद देखते हैं हमारे मोबाइल पर OTP आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मोबाइल पे यहाँ से रिसेंट हो चुका है, बट लेकिन हमारे मोबाइल पे OTP नहीं आया अभी तक। देख सकते हैं आप गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है अभी। और जब भी हम अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं और शेड्यूल्स पे क्लिक करते हैं, हम डेट हम सेलेक्ट करना होता है, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं डेट तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है 45 प्लस यदि आपका एज है तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने नियर बाई। लेकिन यदि आपको 45 से कम साल है तो आप लोगों को वहाँ पे भी बुक करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये अभी गवर्नमेंट के वेबसाइट से और एक सेतु ऐप से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं प्रॉब्लम कब तक शॉर्ट आउट हो जाता है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको वेट करना है। वेट करने के अलावा आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही सर्वर पर लोड कम होगा तो इस वेबसाइट जो है पूरी तरह से वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखते हैं वहाँ पर जो 45 प्लस एज का अपॉइंटमेंट बुक हो रहा था वहाँ पे 18 प्लस देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्क ही नहीं कर रहा है।